गैर मर्दों से अवैध संबंध के शक में पति ने हसिये से गला काट कर की पत्नी की हत्या। बैराड़ में गोवर्धन थाना क्षेत्र के गाजीगढ़ में तीन बच्चों की मां एक 35 वर्षीय महिला की गला काट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है। बताया जा रहा है कि गैर मर्दों से अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हसिये से गला काट कर हत्या कर दी है। घटना का पता जब चला जब महिला की सास सुबह बच्चों को दूध देने कमरे में पहुंची, जहां बहू गिरिजा उम्र 35 वर्षीय का शव लवलुहान हालत में पड़ा मिला। महिला की गला काटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आने पर इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोवर्धन थाना पुलिस और FSL की टीम मामले की जांच में जुट गई है। गोवर्धन थाना प्रभारी शिवनाथ सिंह सिकरवार ने बताया कि चरित्र शंका के चलते पति वृंदावन ने ही हसिये से गला काटकर पत्नी गिरजा को मौत की घाट उतारा है। पत्नी की हत्या कर पति मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मारपीट करते हुए मोड़ा है नहीं यार, मारपीट आए उठे मैं खत्म हो गई जगह फिर हाँ मुझे लगे थे खत्म हो गई है। मैंने देखा आगे तो फिर उसके बाद आपने किसको सूचना दी? साहब को मैंने फ़ोन किया था दुर्वाई ने, मैं फ़ोन करके बता साहब साहब मैं आ रहा हूँ आरोपी को पकड़ के रात आरोपी को क्या कुछ मामला ये जो ख़त्म हुए कौन लगते हैं आपके भाई है? कैसे ख़त्म हुए? पता नहीं है सर, हम तो सुबह पता पड़ा चौकीदार आदमी का बताया भाई क्या मेरे पापा दूध मुझे ले जाते हैं वहाँ बच्चे बहुत ले थोड़ा है जोर से बोल रहे हैं दूध मुझे ले जाते हैं हम उनके बच्चे छोटे छोटे हैं तो मेरे भाई के उसको दूध ले आ पापा सुबह मुझे पर आते हैं वो दूध मुझे ले आते हैं मम्मी जो कोई नहीं बोले तो मम्मी बेचे हो रहे थे वो तो वहाँ में जो कर रहे थे वो तो ख़त्म कर दिए। कैसे ख़त्म हुई? वहाँ में आठ ही मार के इधर ही मारा। किसने किसने मारा?